मार्केटिंग एक बबल तो नहीं है? लोगों के माइंड में ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है. पीपल आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी इन डिजिटल मार्केटिंग, सो दे आर ऑफ कोर्स कंसर्न कि इसका फ्यूचर क्या है. आज इतना ज्यादा बूम हो रहा है और कल जाके इंडस्ट्री ठप तो नहीं हो जाएगी? सो इसी चीज का आंसर देने के लिए दोस्तों डिजिटल गपशप की सीरीज में मैं फोरम मार्फत्या पटेल विद खबरची.com एंड onlineyou.com के साथ मैं आज बात करने वाली हूँ कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आसपास ही इसका आंसर मिल जाएगा. देखो ये कोई एक हैबिट नहीं है जो कल जाके लोगों की छूट जाएगी. पीपल हैव मेड आवर लाइफ, हमारी जिंदगी ही डिजिटल हो चुकी है. सो ऑफ कोर्स अब ये जिंदगी की हमारी जो लाइफस्टाइल डिजिटल बन चुकी है ये लाइफस्टाइल चेंज नहीं होने वाली है. एंड दैट्स वेयर आई से दैट वंस द लाइफस्टाइल इज हियर इट कैन नेवर गो रिवर्ट बैक. सो हमारी लाइफस्टाइल अब आगे ही बढ़ेगी डिजिटल की दुनिया में, वो पीछे कभी मुड़ के नहीं देखने वाली है. एंड दैट इज व्हाई डिजिटल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. सो देयर आर मेनी बिजनेसेस एंड उसी में से मुझे ये क्वेश्चन भी आया था जो 100% आज शायद डिजिटल हो चुके हैं. दे डोंट हैव अ स्टोर और दे डोंट हैव अ ऑफलाइन बिजनेस, कंप्लीटली 100% वो ऑनलाइन के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं. सो ऑफकोर्स पीपल विल बी कंसर्न्ड अबाउट इट, वी अंडरस्टैंड दैट. But a very simple answer to that is the digital is the future, right? See, we have to understand कि आज आपकी जो audience है, हमारे जो target audience है, जो buyers है, उनकी buying habit भी digital हो चुकी है. Like हम food के लिए Swiggy और Zomato prefer करते हैं ताकि घर बैठे खाना आ जाए. We don't even go want to out and हम restaurant और उसमें नहीं जाना चाहते. हम घर बैठे बैठे एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स का यूज कर रहे हैं, हॉटस्टार का यूज कर रहे हैं या प्राइम वीडियोस का. वी डोंट वांट टू गो टू द थिएटर्स. सो एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ. हम घर बैठे शॉपिंग कर रहे हैं, बिग बास्केट से लेके ग्रोसरी लेते हैं या फिर हम हमारे नाइका से कॉस्मेटिक बाय करते हैं या फिर हम ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स में ऑनलाइन बाय कर सकती हूँ जहां से हम कंटिन्यूस शॉपिंग करेंगे. तो ये जो कंटिन्यूस शॉपिंग की हमारी जो हैबिट है दोस्तों, ऑफ कोर्स दैट शोज दैट आवर लाइफ इज नाउ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटलाइजेशन एंड देयर इज मोर स्कोप. नाउ देयर आर बिगर पिक्चर्स येट टू कम. अगर मैं बात करूं तो अभी तक तो मशीन लैंग्वेज या फिर हम बात करेंगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी में इतना ज्यादा स्कोप है एंड दिस इंडस्ट्री आर बूमिंग लाइक एनीथिंग. तो ऑफ कोर्स डिजिटल की दुनिया में ये सारी चीजें जब ऐड होगी तब एक और ज्यादा अच्छा, बेटर और नया एरा ही बाहर आएगा. एंड इसीलिए मैं कहती हूँ कि अभी तक जो बिजनेसेस डिजिटल नहीं है, पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस डिजिटलाइजेशन, एवरीबॉडी प्लीज गेट ऑन बोर्ड और अभी से शुरू कीजिए. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल एंटरप्रेन्योर्स, ऑल स्टूडेंट्स और सभी लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप डिजिटल की दुनिया में आपकी स्किल्स के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कीजिए. स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स दोस्तों, पीपल हु वांट्स टू मेक देयर करियर इनटू दिस फील्ड, ट्रस्ट मी वी हैव अ ट्रेमेंडियस अपॉर्चुनिटी. 2019 के अगर मैं आंकड़े की कुछ बात करूं, सो 2019 में हमने ये पाया था कि 8 लाख से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल ओवर इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में थी. देर आर मेनी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो की जो अवेलेबल थी बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग डिजिटल. सारी चीजें डिजिटल ट्रांसफॉर्म हो रही है गवर्नमेंट में भी. अब इसी सिस्टम को चलाने के लिए ऑफकोर्स विद द पुराने एम्प्लॉयज हर डिपार्टमेंट में देर इज अ नीड ऑफ पीपल हु नोज डिजिटल फील्ड, डिजिटल गैजेट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. नरेंद्र मोदी जी के वन ऑफ द इंटरव्यू में मैंने ये सुना था दैट ही ड्रीम्स फॉर अ डिजिटल इंडिया वेयर गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली कम्युनिकेटिंग विद द ऑडियंस थ्रू सोशल मीडिया. सो दे आर वेरी एग्रेसिवली वर्किंग ऑन इट. फॉर दैट देयर आर ओपनिंग्स एवरीवेयर. वी सी आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि देयर आर नॉट ओनली एजेंसीज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ही नहीं बट हर एक इंडस्ट्री एंड देयर आर बिग ब्रांड्स के जो इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक डेवलप कर रहे हैं. सो यस, देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल हु वांट्स टू मेक द करियर इनटू दिस. प्लस दोस्तों ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पे यू डोंट नीड अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टार्ट ऑफ. सो जिनको फ्रीलांस बेस में शुरू करना है,
जिनको वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए शुरू करना है, उनके लिए तो ये इंडस्ट्री डिजिटल मार्केटिंग गिव्स द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फॉर अर्निंग पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स इट हैज अ ब्राइटर फ्यूचर, बट फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव अगेन आई एम टेलिंग दैट फ्रेंड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट अवर कस्टमर्स आर ऑल्सो ऑनलाइन. Everybody is online. Our buyers are online. Our associates are online. Our wholesalers, dealers. अगर आप B2B में हो तो आप उनको ढूंढ रहे हो, right? तो ये सारे लोग online हैं. But we just have to tap correct people through online, choose the correct platform on online, and just rock it up, right? So I hope that I'm able to answer the query that what is the future of digital marketing, whether it's a bubble or not. And trust me, one word answer is no, it's not a bubble. There is a big bright future that is waiting for us. So I hope everyone is getting on board and online as soon as possible. Agar online aane ke liye aapko koi bhi problem aa raha hai, if you want to know the model ki how can you start with this digital marketing, aapko kahan se shuruaat karni chahiye, kya budget hone chahiye, please ping me. आप हमें सब्सक्राइब करके कमेंट में भी बता सकते हो एंड जस्ट लेट अस नो, वी विल रीच आउट टू यू विथ योर आंसर. हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको आपकी क्वेरी को एड्रेस करें. ऑलराइट, सो टिल देन बाय बाय, सी यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड.